बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है, लेकिन सुपर सिक्स के सिलसिले को भी अब हम शुरू कर रहे हैं। सुपर सिक्स में आज हम बात करेंगे, नकल की बात करेंगे, किस तरीके से नकल हो रही है। मुरैना के बाद अब भिंड में खुलेआम नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये भी बताएंगे कि यहाँ कैसे मिलीभगत से नकल का खेल लगातार चलता है। बात एक ऐसे शख्स की जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। जबलपुर के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर क्यों खड़े हुए हैं सवाल, ये जानना आपको जरूर चाहिए। यह भी दिखाएंगे कि कॉलेज में कहां अनोखा फरमान जारी हुआ है। कुलपति से मुलाकात के लिए छात्र क्या थाना प्रभारी की अनुमति लेने जाएंगे। इसके अलावा सेल्फी के चक्कर में युवक की जान आफत में क्यों आ गई, उसे भी जान लीजिए। बात बंदरों के उत्पात की भी होगी आज। सबसे पहले बात नकल की करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नकल का खेल खुलेआम चल रहा है। भिंड से लेकर मुरैना तक परीक्षाएं मानो मजाक में तब्दील हो गई हैं। परीक्षा में बेरोकटोक नकल चल रही है। कहीं नकल की पर्चियां मिलती हैं, कहीं गाइड रखकर नकल हो जाती है, कहीं पर्यवेक्षक खुद नकल करवा रहे हैं। देखिए, टेबल के नीचे, बाथरूम के अंदर, छज्जे पर, फर्श पर, जहां भी नजर जाए हर तरफ नकल की पर्चियां बिखरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें भिंड की हैं। यहां बीए बीएससी की परीक्षा में खुलेआम नकल चल रही है। परीक्षा में नकल की पूरी छूट है, कोई रोक टोक नहीं। परीक्षार्थी उत्तर पर उत्तर छापे जा रहे हैं, कोई चिट बनाकर लाया है तो कोई गाइड। परीक्षार्थी बेखौफ होकर नकल कर रहे हैं, इन्हें नकल की पूरी छूट है। जी हाँ, नकल का ये खेल परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और पर्यवेक्षक की मिली भगत से चल रहा है। जिन पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद उनकी इजाजत से नकल का ये खेल चला रहे हैं। नकल का ये खेल लाहार कस्बे में शासकीय महाविद्यालय में चल रहा है। इसकी पोल तब खुली जब एसडीएम परीक्षा के दौरान पहुंचे। एसडीएम ने जब परीक्षा केंद्र की पड़ताल की तो हर तरफ नकल की पर्चियां मिली। एसडीएम ने मामले में कार्रवाई की बात कही। जो भी पर्यवेक्षक ड्यूटी के दौरान नकल करवाते हुए पाए गए, बच्चे नकल कर रहे थे वहाँ पर, और जब बच्चों की जांच की गई तो उनके पास से नकल की जो चिटें थीं और जो परीक्षा गाइडें आती हैं वो मिली हैं वहाँ पर। तो इसके लिए पर्यवेक्षक जिम्मेदार हैं। इन लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वहाँ इन्हें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए थी कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो बच्चों के शौचालय थे उनका भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ भी जो है नकल सामग्री मिली है। तत्काल कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया और उनके संबंध में प्रकरण कलेक्टर महोदय की ओर अग्रसित किए जा रहे हैं, ताकि इन पर कोई जो नियमानुसार डिसिप्लिनरी एक्शन हो लिया जा सके। एमपी में परीक्षाओं में नकल नई बात नहीं। हाल ही में मुरैना से भी नकल की तस्वीरें आई थी। देखिए जरा, यहाँ भी नकलची यहाँ अपना हुनर दिखाने में जुटे हैं। मानो नकल की प्रतियोगिता चल रही हो, कौन कितनी तेजी से नकल कर सकता है, मानो इसकी होड़ मची हो। बीए बीएससी की परीक्षा में बेरोक टोक नकल चल रही है। इन छात्रों ने पढ़ाई में भले ही दिमाग ना लगाया हो, लेकिन नकल में पूरी अकल लगा रहे हैं। परीक्षार्थी नकल का पूरा इंतजाम कर आए हैं। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इन परीक्षार्थियों के पास हर प्रश्न का उत्तर है। यूं तो ये उत्तर दिमाग में होने चाहिए, लेकिन इन परीक्षार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नकल की छूट है और ये परीक्षार्थी मन लगाकर नकल में जुटे हैं। भिंड से लेकर मुरैना तक नकल का खेल खुलेआम चल रहा है। नकल माफिया किस कदर बेखौफ हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। नकल पर रोक लगाना तो दूर, जिन पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद ही नकल करा रहे हैं। रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज 18, भिंड। और अब बारिश न हुई पोल खोलने का जरिया हो गई। इन दिनों एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो होश उड़ा देती हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, हड़कंप मच गया। दिल्ली नहीं, जबलपुर में भी हादसे की तस्वीर सामने आई थी। और अब बारिश ने ग्वालियर एयरपोर्ट की पोल खोल कर रख दी। न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग के पोर्च में पानी का रिसाव हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिसाव को दुरुस्त कर लिया है। कहीं रिश्ता पानी, कहीं क्षतिग्रस्त गाड़ी, कहीं हादसे का शिकार हुई जिंदगानी। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जनाब, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिक्योरिटी के, रख रखाव के, लेकिन ये तस्वीरें ही सवाल बनकर खड़ी हैं। तो इस फहरिस्त में सबसे ताजा तस्वीर देखिए ग्वालियर की।
देखिए इस रिश्ते पानी को, न ही कोई जर्जर इमारत होगी, न ही कोई पुरानी बिल्डिंग, बल्कि 534 करोड़ की लागत से बना ये है एयरपोर्ट टर्मिनल। ग्वालियर के न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग के पोर्च में पानी का रिसाव हुआ। पोर्च के ऊपर बने सनलाइट डोम से पानी के इस रिसाव ने बारिश में ग्वालियर एयरपोर्ट की पोल खोल दी। मार्च में ही पीएम मोदी ने वर्चुअली एयरपोर्ट टर्मिनल का शुभारंभ किया था। ये कोई पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले 27 जून को जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे पर जो हुआ उससे हड़कंप मच गया। इस एयरपोर्ट पर 450 करोड़ की लागत से बनी नई इमारत की छत गिरने से एक कार को नुकसान पहुंचा था। इस हादसे में आयकर अधिकारी और ड्राइवर बाल बाल बचे थे। 27 जून को होश उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई थी। नव निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री से पहले ड्रॉप एंड गो एरिया में खूबसूरत टेंसिल रूफ लगाया गया है। इसके ऊपर की ड्रेन लाइन चौक होने से पहली बारिश में ही इस टेंसिल रूफ का एक हिस्सा गिर गया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली की यह तस्वीर भी कई सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में 28 जून की सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां भी बारिश ने गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 पर एयरपोर्ट की छत गिरी, बीम गिरे, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप इलाके में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। एयरपोर्ट से आई ये तस्वीर गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक अनोखे फरमान की चर्चा है। ये फरमान ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कॉलेज में नोटिस लगाया गया है, अगर कुलपति से मिलना है तो इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन किसकी लेनी पड़ेगी? थाना प्रभारी। अब थाना प्रभारी इजाजत देगा कि बच्चे कुलपति से मिले या ना मिले। कॉलेज में अगर कुलपति से मिलना हो तो क्या इसके लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत है? नहीं ना, लेकिन भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ बिना थाना प्रभारी की अनुमति के छात्र कुलपति से मुलाकात नहीं कर सकते और इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। जरा ये नोटिस देखिए, इस पर लिखा है कि कुलपति से अपनी समस्या को लेकर दो छात्र ही मिल सकते हैं और अगर दो से अधिक संख्या में छात्र मिलना चाहते हैं तो थाना प्रभारी से अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। यह अनूठा फरमान भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जारी हुआ, जिसके मुताबिक कुलपति से एक बार में दो से ज्यादा छात्र नहीं मिल सकते। इस फरमान को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि ये नोटिस 6 महीने से लगाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें थाना प्रभारी के नाम पर डराया जाता है। देखिए, विगत 6 महीने पहले जब हमारे कुलपति जी जब नए ऑफिस में इन्हें विराजमान किया था तो तभी इन्होंने एक नोटिस चस्पा कर दिया था 6 महीने पहले कि मात्र 2 विद्यार्थी मिलने आ सकते हैं। अगर 2 से अधिक को मिलना है तो पहले उन्हें बागसी में थाना जाना पड़ेगा, उसके बाद आकर जो है वो हमसे मिल सकते हैं, वो भी थाने प्रभारी की अनुमति के बाद। कहीं ना कहीं जब कल ईसी की बैठक थी तो हमारा एक मुद्दा था एमबीए महाघोटाले को लेके, कि जहां पे इन्हें एमबीए की सीटों का आवंटन जो किया हुआ है, कम से कम एक एक कॉलेज में 900-900 सीटें हैं और उन्हीं एक बिल्डिंग के अंदर बीकॉम बीए बीएससी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो जिसको हमने उजागर करने का कार्य कर रहे थे। तो वहीं जब ईसी से हमारी बात हो रही थी, जब हमने उनको नीचे रोका तो उन्होंने बोला कि आपको अगर ये संज्ञान में था तो आपने आज से पहले क्यों नहीं बताया। तब जाके हमने ईसी के जितने सदस्य थे, कार्य परिषद के सदस्य थे, उनको हमने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा नोटिस चस्पा है, हमें धमकाया जाता है, बताया जाता है कि टीआई मेरा दोस्त है और यदि तुम लोग यहाँ पे हंगामा करोगे या छात्रों को इकट्ठा करके आओगे तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। छात्र कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्र कॉलेज प्रबंधन पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो तानाशाह है बिल्कुल, छात्रों से और छात्रों की सुविधाओं से उनका कोई लेना देना है नहीं। बस कैसे सरकार से पैसा आया है उसको वो अपनी जेब में भर ले, इस पे उनका पूरा फोकस रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, बच्चे डिग्री के लिए हो या मार्कशीट के लिए हो, मार्कशीटों में हमेशा गड़बड़ी ही आती है। एक मार्कशीट के लिए बच्चों को कई बार आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था इनने ऐसी चरमराई हुई है कि
बच्चों को बार बार परेशान होना पड़ता है, अनेकों प्रकार के शुल्क देकर उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वही नहीं मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी कैंपस के अंदर किसी भी बिल्डिंग में जाके देखेंगे आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे। आप अभी कैंपस में घूमे होंगे, पिछले 2 साल से हमारी ये मांग रही कि हमारा ग्रीन कैंपस है, हमें स्वच्छ भारत को अगर प्रमोट करना है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस में डस्टबिन होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पर उस पर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। छात्र थाना प्रभारी की अनुमति के बिना कुलपति से मुलाकात नहीं कर सकते। हालांकि छात्रों की मांग के बाद ये नोटिस हटा दिया गया, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा फरमान जारी ही क्यों किया गया। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि थाना प्रभारी के नाम पर छात्रों को डराया जा रहा है। ये तमाम जो छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रबंधन है वो तानाशाही रवैया अपना रहा है, वो छात्रों के हितों की बात को नहीं सुनना चाहता और यही कारण है कि इस तरह का नोटिस चस्पा किया था, लेकिन अब ईसी और छात्र संगठन के दबाव के बाद इस नोटिस को हटा लिया गया है। मनीष सेंगर के साथ सैलेंसिंग मिजिटीन भोपाल। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको बता दें जो धार भोजशाला से जुड़ा हुआ है। ये हमने आपको बताया था कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, इसमें जैन समाज की भी एंट्री हो गई थी, जैन धर्म की भी एंट्री हो गई थी। अब आपको बड़ा अपडेट ये दे दें, जैन समाज की याचिका खारिज कर दी गई है। जैन समाज ने जैन धर्म की तरफ से भोजशाला पर दावा पेश किया गया था, एक पक्ष की तरफ से, इसमें भी दो फाड़ है। एक पक्ष की तरफ से दावा पेश किया गया था भोजशाला पर, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज कर दी। एएसआई के सर्वे में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की 2 प्रतिमाएं मिली थी, प्रतिमा के आधार पर यह याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि जैन समाज का इस पर दावा नहीं बनता। हाईकोर्ट ने बात कही। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं टीकमगढ़, जहां पहुंचे हुए हैं डॉक्टर शिशुपाल जी, डॉक्टर प्रीति वी डी शर्मा जी, श्रीमती रेखा महेश यादव जी, पवन जैन मोदी जी, अंकित सिंह तोमर जी, और समय की कमी है, समस्त वरिष्ठ जन, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये धन्य हो गया धाम बाबा जी के साथ आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके, शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है, लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूजनीय महाराज जी का, और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है, इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वी डी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेन जी ने कहा है कि इस सीपीरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमारे यहां तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है, हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं, हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपनी देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता है भारत माता की, इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके
एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते हैं, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छीपरी तहसील लिघोरा जिला टीकमगढ़ ग्राम छीपरी का नाम बदल करके मातृधाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं, ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है, मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यही से घोषणा करता हूँ। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है, अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना, 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है, मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करे, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक श्वास जीवन है, दूसरे श्वास की कल्पना ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद है, ये संतों की कृपा है। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा एक दिन जीवन का बढ़ता है, ये एक दिन का। और 1 साल के अंदर 6 महीने में ये शरीर मरता है और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटुओं की श्रृंखला लगा ले, या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें 5 तत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण है और घेरंड ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है, लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण अर्थात पहला प्राण जो हमारे पंडित जी हमको श्लोक में बताते हैं, हमारे अपने 5 प्राण के 5 प्रकार के भोजन के निवाले ये हमको लेना सिखाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है आज के इस अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृधाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी
गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है और 6000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, तो आज इस एक साथ जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में सातों रंग होते हैं, एक बगीचे में सारे पुष्प होते हैं, ऐसे सब अलग अलग प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके ये कार्यक्रम बना है। महाराज जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। पूरे प्रदेश की सभी हितग्राही अलग अलग माता बहनों को, किसान भाइयों को मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसा शुभ घड़ी माननीय मैं अनंत श्री से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के द्वारा मैं पूज्य महाराज से आग्रह करूंगा कि आप आए और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां बजाएं। एक बार ये आस्था की एक लौ जलाई है। अनंत से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा पूज्य महाराज ट्रस्ट के द्वारा यह स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी देश के और प्रदेश के हमारे लाडले और साथ में माननीय विनीत शर्मा जी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय हरिशंकर खटीक जी और माननीय अनिल जैन जी का क्रमशः अनंत श्री से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज के द्वारा श्रद्धेय महाराज स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। ये आस्था की जो लौ जलाई है बुंदेलखंड की पावन पुनित धरती पे, हम आपका हृदय तल की गहराइयों से ऋणी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभारी। प्रदेश को समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आज 4 महती योजनाओं का जिन्होंने अपने हाथों से राशि का अंतरण करके मध्य प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर ले जा रहे हैं। हृदय तल की गहराइयों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज का, माननीय ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे टीकमगढ़ से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आपको बता दें नवनिर्मित सदाशिव प्रतिमा का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया, साथ ही साथ भोलेनाथ की 61 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ, साथ ही साथ लाडली बहना योजना की एक और किस्त आज जारी हुई है।